सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, पर बड़ा ही खूबसूरत होगा वो मंजर जब कामयाबी शोर मचाएगी। देखिए हम सब लोगों के जीवन में जब ये दिन आता है ना, जब बहुत सारी मेहनत करने के बाद, तो उस टाइम बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग होती है। कहने का मतलब है, जब तुम बहुत मेहनत कर रहे होते हो किसी लक्ष्य को पाने के लिए, जब तुम उस मेहनत के बाद जब उसको लक्ष्य को पाओगे, तो उसके बाद की जो फीलिंग होती है ना, कहने का मतलब है, जो लोग चरस गांजा दारू इन सब में ढूंढते रहते हैं ना स्वर्ग, सच बताऊं तो उससे बहुत अलग और एक सच्ची खुशी मिलती है आपको। आप अलग ही लेवल का फील कर रहे होते हो उस टाइम। देखिए जब मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जब तुम लास्ट जब लिस्ट विस्ट आती है ना, उसमें जब डाल रहे होते हो ना अपना नाम, उसके बाद जब निकल के आता है ना तुम्हारा नाम, तो बहुत अलग लेवल की खुशी मिलती है। मान लीजिए आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी परसेंटेज है या फिर कोई भी आपका जीवन में कोई भी लक्ष्य है, जिस दिन उस लक्ष्य को पाओगे ना, उसके बाद जो अंदर महसूस होता है ना, मतलब सच बताऊँ तो उसके आगे ना सारी चीज़ें फीकी लगती हैं, सब चीज़ें फीकी लगती हैं। वो जो मूवमेंट होता है ना, जो विनिंग मूवमेंट होता है तुम्हारा, मतलब बहुत ही गजब होता है। पर उसको महसूस करने के लिए पहले आपको ना ये जो हजार मुश्किलें हैं ना, इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य की तैयारी शुरू करते हैं तो उस टाइम हमें इतना आइडिया नहीं होता, पर जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, और बीच बीच में मन हताश होगा, निराश होगा, लगेगा कि भैया होगा कि नहीं होगा। ये तुम्हारे अकेले के मन में नहीं होता, जितने भी लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं ना, सबके मन में यही चीज़ें होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आप किसी भी बंदे का इंटरव्यू सुन लीजिए जो बिजनेस कर रहा हो, या फिर उसने पढ़ाई में कुछ भी किया हो, या किसी भी एग्जाम का कोई टॉपर हो, सबके मन में आता है। पर उस टाइम बस एक काम करना होता है। देखिए तुम्हारे अंदर ना दो बातें चल रही होती हैं, एक टाइम तुम परेशान हो रहे होते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग उन चीज़ों को सुलझा रहा होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा डर जाता है। पर उसी टाइम ना एक आवाज़ होती है तुम्हारे अंदर, पर वो उस टाइम थोड़ी मंदी हो जाती है। तुम आँख बंद करो और अपने अंदर एक बार सवाल पूछो खुद से कि क्या ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगी, और डेफिनेटली वो आवाज़ यही होती है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ये इतनी भी बड़ी नहीं है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती तो कोई दूसरा बंदा पार कैसे चला जाता है ना, तुमसे पहले बहुत लोग गए होंगे उस रास्ते पर, तो वो कैसे चले गए अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो तुम पाओगे कि हाँ, मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ये जो मन की आवाज़ है ना, वो तुम्हें एक डायरेक्शन देगी, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भरेगी। उसके बाद तुम सोचो कि जिस दिन तुम उसको पाओगे, वो फीलिंग्स जैसे मैं बताने की कोशिश करूँ तब भी नहीं बताई जा सकती। ये ऐसी है जैसे मान लो मैंने किसी फेमस दुकान से मिठाई खाई, उसका स्वाद सिर्फ मैं ट्राई कर सकूँ, पर वो कैसी थी, एग्जैक्ट कैसी थी, ये तो तभी पता चलेगा जब तुम उसको खाओगे। तो उसी तरीके से जो कामयाबी का स्वाद होता है ना, या किसी चीज़ को पाने का जो स्वाद होता है, वो तभी पता चलता है हमें जब हम उस चीज़ को पा लेते हैं। ये ऐसा होता है बिल्कुल, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, कि जब हमारे लाइफ में परेशानियाँ होती है ना, कि तपते हुए रेगिस्तान में तुम जा रहे हो, तुम्हें प्यास लग रही है और तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, पसीने से लथपथ हो, गर्म रेगिस्तान हो, ऊपर से धूप पड़ रही है, उसके बाद अचानक से एक जब पॉइंट आता है, उसके बाद एक बाग में तुम पहुंच जाते हो, वहां पर बिल्कुल ही काले बादल हैं, हवाएं चल रही हैं ठंडी, और पेड़ बिल्कुल हरे भरे जो पेड़ हैं वो आपके आसपास हैं, आप उस रेगिस्तान में हो। आंख बंद करके महसूस करके देखो इस चीज़ को, कि तपते रेगिस्तान से एकदम तुम बादलों की छांव में पहुंच जाते हो, जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, इस तरीके के मौसम में आ जाते हो। अभी हवाएं नहीं चल रही हैं, है ना, पर जब ठंडी हवाएं चल रही हों, काले बादल हों, उस तरीके के मौसम में आप आ जाओ। तो उस तरीके से ये जो कामयाबी का जब मंजर आपके सामने आएगा ना, उसका सच में कोई तोड़ नहीं। और लोगों का बिहेवियर भी तुम देखोगे, आसपास के लोगों का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है, फिल्मों के हीरो नहीं, तुम जब अपने आसपास के लोगों के हीरो बनते हो ना, उसके अलग ही फीलिंग होती है, और तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होगा। जो मोटिवेशन वीडियो तुम देख रहे होते हो, अभी ढूंढ रहे होते हो, वो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारे अंदर से निकल रहा होगा ऐसे करके, एक पॉजिटिविटी आएगी तुम्हारे अंदर। तो उसको महसूस करने के लिए इन हज़ार मुश्किलों को पार करो, और उसके बाद जब कामयाबी शोर मचाएगी तो उस स्वाद को चखो, और डेफिनेटली चखोगे तो, अगर तुमने रास्ता नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।
अगला वीडियो आएगा इसी तरीके के, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे इस चैनल पर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक करे मत जाया करो, लाइक कर दिया करो, तुम्हारा क्या जा रहा है भैया। तो इतना मोटिवेट तुम हमें करा करो, बाकी हम तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।